हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र में किसान बागवानों ने बर्फबारी, ओलावृष्टि और तूफान से फसलों को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग उठाई है। इस बार हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में कई हलकों में अप्रैल और मई में बर्फबारी हुई है और उसके बाद ओलावृष्टि और तूफान से नकदी फसलों और फलों को काफी नुकसान पहुंचा है। किन्नौर जिला के निचले हिस्से चौरा आदि व शिमला जिला के गौरा, ब्रहबीश, छेबीश, ननखड़ी, कुल्लू के आनी और निर्मंड खंड में इस बार काफी नुकसान हुआ है। बागवानों का कहना है कि अब भी ओलावृष्टि कई स्थानों में जारी है। इस आपदा से सेब, पलम, खुमानी, बादाम, चेरी तथा अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सरकार से लोगों ने कोरोना के इस दौर में जीवन यापन के लिए नुकसान की भरपाई की मांग उठाई है। बागवानों का कहना है कि फसल बीमा योजना के तहत बैंकों से बीमा कंपनियों को किसानों के खाते से किस्त जारी की जा रही है, लेकिन बर्फ, ओलावृष्टि और तूफान से हुए नुकसान बीमा को कवर नहीं करते हैं, इसलिए सरकार मध्यस्थता करके किसानों को बीमा कंपनी से मुआवजा दिलवाए। किसानों का ये भी कहना है कि हिमाचल प्रदेश राहत मैनुअल में भी बर्फबारी, ओलावृष्टि और तूफान से होने वाले नुकसान पर राहत का प्रावधान नहीं है, इसलिए राहत मैनुअल में भी संशोधन किया जाए। मेरा नाम आशु भारती है और मैं रामपुर क्षेत्र से ही ननखड़ी क्षेत्र से रहने वाली हूँ। मैं जो है आज मतलब कि जो ये ओलावृष्टि हो रही है, दिन मतलब कि जब से मतलब कि फूल आना शुरू हुए हैं तब से लेकर के जो है कि नुकसान ही होता जा रहा है। कभी ओलावृष्टि हो रही है, कभी बारिश हो रही है, तो कभी इतना तूफान आ रहा है। कई जगह तो पेड़ भी तोड़े हैं, पीछे जब तूफान से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ, कई जगह पेड़ तोड़े हैं, मतलब कि घर के छतें तक उड़ाई है, बहुत सारी इसमें वो है। और अभी भी जो है लगातार बारिश ही होती जा रही है, मौसम का कोई भरोसा नहीं है कब बारिश हो जाए, कब क्या हो जाए। और साथ में ओलावृष्टि हो रही है, जैसे ननखड़ी जैसे क्षेत्र है वहाँ तो हमेशा ओलावृष्टि हो जाती है, बारिश होने के बजाय वहाँ पर ओलावृष्टि होती है, तो उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है, हम सरकार से डिमांड करते हैं कि जो ये नुकसान हो रहा है उसकी जो है भरपाई की जाए और जो किसानों को जो है वो मुआवजा दिया जाए। और जिस तरह से जो ये मतलब कि दिन प्रतिदिन महंगाई भी बढ़ती जा रही है, किस तरह से जो ये राशन भी डिपो में महंगा कर दिया है, कम से कम सरकार को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि जो ये डिपो में भी राशन महंगा हो। मैं ये रामपुर ननखड़ी क्षेत्र से आता हूँ, मेरी देवनगर पंचायत है। अभी पीछे ये जो अप्रैल और मई के अंदर में जो ये काफ़ी ओलावृष्टि हुई है, एक तो हमारे इलाके के अंदर में क्योंकि सेब भी है तो सेबों के अंदर तब ये छोटा छोटा दाना था तो काफ़ी नुकसान वहाँ पे हुआ है उस सेब के अंदर में। और उसी के साथ ही क्योंकि बहुत बड़े इलाके के अंदर में ननखड़ी के अंदर में पूरे ननखड़ी के साथ वाले इलाके में वहाँ चेरी की फसल लगभग तैयार फसल थी, जिसमें 65 से 70% जो फसल है वो बर्बाद हुई है उन इलाकों के अंदर में। और लगातार ये जो तूफान है, ये जो ओलावृष्टि है, ये लगातार चल रही है उन इलाकों के अंदर में। अभी कल भी बारिश हुई है और निचले इलाकों में, खास करके जिन इलाकों से मैं आता हूँ उस इलाके के अंदर में, तो अभी जो ये पलम की और जो ये खुमानी की फसलें थी ये बर्बाद हुई है, कल भी ये बर्बाद हुई है। कल की बारिश में भी काफ़ी वो पेड़ उन्होंने साफ झाड़े हैं, वो पेड़ उस इलाके में काफ़ी तेज़ कल बारिश आई है, तूफान आया काफ़ी तेज़ और बादल फटने जैसी स्थितियाँ वहाँ हुई है, इतनी तेज़ बारिश वहाँ पर हुई है। तो हमारी तो सरकार से डिमांड है कि ये जो नुकसान हमारा हुआ है इतना, इसमें हमको मुआवजा दिया जाए। और खास और साथ में अभी सरकार ने कुछ दिन पहले बोला भी था कि बिना परमिशन के, बिना उसके सेंक्शन के जो वीडियो है वो वहाँ पे काम करवाएंगे नरेगा के अंदर में, और वो ज़मीन पे कहीं दिख नहीं रहा है। अगर वो नुकसान हुआ है तो कहीं ना कहीं उसकी एक तो मुआवजा उसका मिलना चाहिए, दूसरा क्योंकि लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है तो जो नरेगा के काम है वो वहाँ पर चलाए जाने चाहिए ताकि लोगों की रोज़ी रोटी का साधन जो वो लगा जुड़ा रहे। और अभी साथ में ये डिपो के अंदर जो ये राशन बहुत महंगा हुआ है, तेल तो सरसों का तेल 160 रुपये डिपो के अंदर हुआ है, तो आदमी का तो जीना मुश्किल हो जाएगा। पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बिहारी सेवगी ने बताया कि अप्रैल मई में पहले बर्फ और फिर ओलावृष्टि हुई, जिससे सेब व अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को राहत प्रदान करे। उन्होंने कहा कि किसानों को बैंकों के माध्यम से बीमा कंपनियों को फसल बीमा की किस्त जारी की जा रही है, लेकिन बर्फ, ओलावृष्टि और तूफान से हुए नुकसान के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह से राहत मैनुअल में भी इन नुकसानों की भरपाई का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर भी हस्तक्षेप करने की मांग की है। अप्रैल मई में हिमाचल प्रदेश के जो रामपुर तहसील है, निर्मंड है, ननखड़ी है और अन्य में, यहाँ पर भारी नुकसान हुआ ओलावृष्टि, बर्फबारी से और जो भारी बारिश हुई है, आंधी तूफान भी चला है। तो जितना चाहे प्लम है, सेब है, खुरमानी है, जो भी ओलावृष्टि और इन चारों चीज़ों से नुकसान हुआ है, सरकार उसको उनको मुआवजा दे।
दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो किसान है जो बैंकों में वो पैसा रखता है तो उसका बीमा जो है फसल बीमा जो योजना के तहत उनका इंस्टॉलमेंट काटी जाती है, प्रीमियम काट लेते हैं बैंक। लेकिन इसमें ये चीज़ें है ही नहीं है, भारी बारिश हो, ओला से हो या बर्फबारी से, उसमें प्रावधान ही नहीं है कि भाई इस नुकसान का भी किसानों को जो है वो कंपनसेशन देगी कंपनियां। तो एक तो सरकार से ही डिमांड है कि भाई ये जो है अमेंड करे और कंपेल करे जो कंपनियां हैं उसको मुआवजा देने के लिए जिन्होंने बीमा कर रखा है। दूसरा जो हिमाचल सरकार मैनुअल है, रिलीफ मैनुअल जिसको कहते हैं, उसमें ये प्रावधान ही नहीं है। जो ये ओला है, स्टॉर्म है या फिर बर्फबारी है, भारी बारिश हुई है, उससे जो फसलों को नुकसान होता है, चाहे फल है या बाकी फसलें, उसमें भी प्रावधान नहीं है। तो प्रदेश सरकार उसमें अमेंड करे और किसानों को इसका लाभ मिलना चाहिए, जो कंपनसेशन करे सरकार, ये हमारा सरकार से डिमांड है।